सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल बालाजी स्टडी अड्डा को और इस बेल आइकन पर क्लिक कीजिए फॉर लेटेस्ट अपडेट। वेलकम टू बालाजी स्टडी अड्डा। तो बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। आज मैं बात करूंगा फीफा वर्ल्ड कप 2018 से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं सभी इस वीडियो में कवर करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो इस वीडियो से रिलेटेड सारी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखें। और इसके साथ साथ अगर आपने मेरा चैनल बालाजी स्टडी अड्डा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे इंटरेस्टिंग और यूज़फुल वीडियो के लिए इसे सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो फीफा वर्ल्ड कप ये 2018 का हुआ था ये कौन सा था। ये था 21 फीफा वर्ल्ड कप ये 2018 था। बात करते हैं अगर होस्टिंग की तो ये इस होस्ट किसने किया था, रसिया ने। उसके अलावा बात करते हैं जो मास्कोट या जो शुभांकर था, ये फ्रेंड्स बहुत बार वर्ल्ड कप जो हो चुके हैं उससे रिलेटेड पूछा जाता है तो आप ये ज़रूर याद रखिएगा जो शुभांकर थे वो कौन थे, जावी वाका। अब बात करते हैं ऑफिशियल सॉन्ग की, तो जो ऑफिशियल सॉन्ग था वो था लिव इट अप। कौन सा था फ्रेंड्स, लिव इट अप। और जो लिव इट अप था वो किसने लिखा था, निक्की जैम ने। अब बात करते हैं जो कैंपेन था यानी जो अभियान था इसका वो क्या था, से नो टू रेसिज्म। रेसिज्म फ्रेंड्स क्या होता है, जातिवाद। तो इसका कैंपेन था से नो टू रेसिज्म। अब बात करते हैं टीम की, तो टोटल जो है इसमें 32 टीमों ने हिस्सा लिया था जिसमें से जो टोटल जो मैच हुए थे वो कितने मैच हुए थे, 64 मैच हुए थे। और बात करते हैं गोल्स की, तो टोटल इस वर्ल्ड कप में 169 गोल हुए हैं। अब बात कर लेते हैं फाइनल मैच की, तो जो फाइनल मैच था वो किसके किसके बीच हुआ था, फ्रांस और क्रोशिया के बीच हुआ था जिसमें जो फ्रांस था वो विजेता टीम थी और जो इसने जीता था खिताब वो 4-2 से जीता था। अब बात करते हैं फ्रांस के जीतने की, तो फ्रांस जो है ये वर्ल्ड कप जो रिकॉर्ड है ये सेकंड टाइम जीता था। इससे पहले जो जीता था फ्रांस वो फर्स्ट टाइम वो 1998 में जीता था। बात करते हैं फ्रांस के जो कोच थे उनका नाम क्या था, डाइडियर देश चैम्स। और फ्रेंड्स इन जो कोच थे इनकी एक जो बहुत खास विशेषता इस वर्ल्ड कप में रही है वो ये थी कि ये पहले नहीं ये तीसरे ऐसे कोच थे जो प्लेयर के साथ साथ कोच भी थे। ये वर्ल्ड कप कोच और खिलाड़ी दोनों रहते हुए इन्होंने वर्ल्ड कप जीता था, ये तीसरे थे। और बात करते हैं अगर इनसे पहले दो की, तो जो पहले थे वो थे मारियो जगालो, ये ब्राज़ील के थे। और बात करते हैं दूसरे की, तो फ्रांस के थे वो थे बेकन बावर। अब बात करते हैं आगे जो सेकंड टीम पे थी मतलब जिसको हराया था वो थे क्रोशिया। बात करते हैं थर्ड नंबर पे, तो थर्ड नंबर पे टीम रही थी वो थी बेल्जियम की। बात करते हैं फोर्थ नंबर की टीम की, तो वो थी इंग्लैंड की। अब बात करते हैं फ्रेंड्स अवार्ड की, तो जो गोल्डन बूट अवार्ड है वो मिला था हैरी केन को। तो हैरी केन के बारे में जान लेते हैं, तो हैरी केन जो थे वो इंग्लैंड के थे और उसके अलावा जो हैरी केन थे उन्होंने टोटल 6 गोल किए थे। अब बात कर लेते हैं गोल्डन बॉल अवार्ड की,
तो इस गोल्डन बॉल अवार्ड को फ्रेंड्स बेस्ट प्लेयर अवार्ड भी कहते हैं। तो ये किसको मिला था? ल्यूका मैड्रिड को। ये कहाँ के थे फ्रेंड्स? ल्यूका मैड्रिड ये थे क्रोशिया के। अब बात करते हैं अगले अवार्ड की, तो गोल्डन ग्लव अवार्ड। इसको फ्रेंड्स क्या कहते हैं? बेस्ट गोलकीपर अवार्ड। ये किसको मिला था? थिबोट कार्टस को। तो थिबोट कार्टस कहाँ के थे फ्रेंड्स? बेल्जियम के। और इन्होंने टोटल 27 गोल जो थे वो सेव किए थे, मतलब गोलकीपर रहते हुए। अब बात करते हैं अगले अवार्ड की, तो फीफा यंग प्लेयर अवार्ड जो है वो किसको मिला था? काइलिन माबापे। ये फ्रेंड्स कहाँ के थे? फ्रांस के। अब बात करते हैं फेयर प्ले अवार्ड की, जो फीफा फेयर प्ले अवार्ड था वो किस टीम को मिला था? स्पेन को। अब बात कर लेते हैं टॉप थ्री गोल्स टीम की। तो जो सबसे ज़्यादा गोल करने वाली टीम थी पूरे वर्ल्ड कप में वो कौन सी थी? बेल्जियम की टीम, जिसने जो है 7 मैच में 16 गोल किए थे। बात करते हैं दूसरी टीम की, दूसरे नंबर थी फ्रांस की टीम, जिसने 7 मैच में 14 गोल किए थे। और बात करते हैं जो तीसरे नंबर पर टीम रही थी वो थी क्रोशिया की, इसने 7 मैच में भी 14 गोल किए थे। अब फ्रेंड्स जो ये मेन इवेंट्स के अलावा कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे जो इस वर्ल्ड कप से रिलेटेड थे वो डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट फ्रेंड्स ये है कि जो जापान था उसने सेनेगल को पीछे छोड़कर जो है फेयर प्ले अवार्ड के तहत पहली बार जो हुआ था ऐसा, जो फेयर प्ले कानून होता है उसके तहत नॉकआउट राउंड के लिए क्वालिफाई किया था। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, जो सबसे जो यंग खिलाड़ी थे वर्ल्ड कप के उनका नाम क्या था? डेनियल अरजानी। और इनकी उम्र जान लेते हैं तो ये थी 19 साल 152 दिन। और ये कहाँ के थे फ्रेंड्स? ऑस्ट्रेलिया के। ये सबसे कम उम्र के थे। अब जान लेते हैं फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा उम्र के। तो जो सबसे ज़्यादा उम्र के थे या सबसे जो बूढ़े खिलाड़ी कह सकते हैं आप, वो कौन थे? मिस्र के गोलकीपर थे जिनका नाम था एसाम अल हैदरी। अब इनकी एज जान लेते हैं, तो इनकी एज थी 45 साल 161 डेज, 45 ईयर एंड 161 डेज। अब फ्रेंड्स अगला पॉइंट जान लेते हैं कि जो पहली बार वर्ल्ड कप था वो कौन सी दो टीमें खेल रही थी? तो वो दो टीमें फ्रेंड्स थी पनामा और आइसलैंड। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स अगले पॉइंट की, तो जो अगला पॉइंट है वो था कि पहला जो गोल है वो वर्ल्ड कप में किस प्लेयर ने किया था? तो वो किसने किया था? यूरी गंजिस्की ने पहला गोल वर्ल्ड कप के लिए किया था 2018 के। और फ्रेंड्स बात कर लेते हैं जो फाइनल मैच के जो रेफरी थे उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था नेस्टर पिस्ताना। और ये फ्रेंड्स कहाँ के थे? ये अर्जेंटीना के थे। उसके अलावा फ्रेंड्स बात कर लेते हैं कि जो ऑफिशियल मैच की जो बॉल थी उसका नाम क्या था? वो था टेलिस्टार 18। और फ्रेंड्स एक पॉइंट और जान लेते हैं कि जो रेफरी द्वारा येलो कार्ड पूरे वर्ल्ड कप में दिखाया गया था वो टोटल कितनी बार दिखाया गया था? 219 या 219 बार। तो फ्रेंड्स इस वर्ल्ड कप में इतना सफिशियंट है। और सबसे लास्ट में जो है एक मेन पॉइंट जान लेते हैं कि जो अगला वर्ल्ड कप होगा वो कब और कहाँ होगा? तो अगला वर्ल्ड कप होगा 2022 में कतर में। तो फ्रेंड्स ये वीडियो हमारा ख़त्म होता है। अगर हमारा प्रयास आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और
जिस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग और यूज़फुल वीडियो के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।